देखते हैं क्या होता है, नया काम है। चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, किस तरह का सवाल, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल कहता है कि आपके पास कुछ छोटी त्रिज्या आर वाली बहुत सारी एन, संख्या कितनी है, एन बूंदे हैं आपके पास, एन बूंदे, किसकी किसकी बूंदे हो सकती हैं, ये पानी की, तेल की, किसी भी पदार्थ की होंगी, वो पदार्थ चालक होगा। कैसा होगा, चालक होगा। बूंद शब्द काम में ले लिया, चालक शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से किसी पदार्थ की, पानी की कितनी बूंदे हैं, एन बूंदे हैं, और उनकी त्रिज्या कितनी है, आर है। सवाल कह रहा है कि इनको आपने आवेशित किया, क्या किया, आवेशित किया। अब आवेशित करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए कितने विभव से आवेशित किया। तो मान लीजिए इनको स्मॉल वी, स्मॉल वी, लेकिन स्मॉल वी तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, अपन तो विभव को वी से लिख देंगे। इतना विभव आपने एक बूंद को दिया और इतना ही विभव आपने दूसरी बूंद को दिया, सभी बूंदों को समान विभव से आवेशित कर रखा है। दिक्कत बोलो, आप जानते हैं कि बूंद किस आकार की, गोलाकार, और कैसी है, चालक। अगर चालक है और गोलाकार है तो दूसरे चैप्टर में धारिता के टॉपिक में आपने गोलीय चालक की धारिता पढ़ा है, नहीं पढ़ा, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, सी बराबर 4। यहां पे हमने त्रिज्या स्मॉल आर ले रखी है तो स्मॉल आर लिख देंगे, त्रिज्या कैपिटल आर ले रखी होती तो कैपिटल आर लिख देते। दिक्कत बोलो, ये क्या है, इस एक बूंद की धारिता, इस बूंद को कितने विभव से आपने आवेशित किया, V से। जब आप आवेशित करेंगे तो आवेश इसकी सतह पे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये चालक है, कितना आवेश जाएगा। धारिता के टॉपिक में आपने बहुत अच्छे से रिलेशन पढ़ा है, धारिता में, विभव में और आवेश में, एक बूंद के ऊपर कितना आवेश जाएगा। सर Q बराबर C तुम्हारे पास है, नहीं है, सी तुम्हारे पास है, त्रिज्या तुम्हें दे रखी है तो 4πε0r से त्रिज्या निकाल, धारिता निकाल लेंगे ना यार, विभव तुम्हें दे रखा है, तो इस बूंद के ऊपर आवेश आ गया पक्का। ऐसी हर एक बूंद के ऊपर आवेश आता जाएगा, कितना, इतना ही, क्योंकि सभी बूंदों की धारिताएं, सभी बूंदों की त्रिज्याएं समान हैं, तो धारिताएं समान होंगी और सबको समान विभव से आवेशित कर रखा है, तो सबके ऊपर आवेश बराबर आ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सब चीजें आपको पेपर में दे रखी होंगी। कितनी चीजें दे रखी होंगी इन सब बातों के लिए, एक आपको त्रिज्या दे रखी होगी, एक आपको बूंदों की संख्या दे रखी होगी, और एक प्रत्येक बूंद को कितने विभव से आवेशित किया है वो विभव आपको दे रखा होगा। क्लियर, आपका दिमाग बोलेगा सर हर एक बूंद की त्रिज्या इतनी दे रखी है, धारिता ये हो जाएगी, और उसके बाद में विभव से आवेशित करोगे तो सतह पे आवेश आएगा, उस आवेश का मान हम निकाल लेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इन सभी बूंदों को आपस में मिला दिया गया, तो जब सभी बूंदों को मिलाएंगे तो ये बूंद बन जाएगी आपके पास बड़ी। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये कैसी बूंदे थी, छोटी बूंदे, और ये कैसी बूंद बन गई, अब बड़ी बूंद बन गई। बड़ी बूंद बनेगी तो इसकी त्रिज्या भी कुछ बड़ी हो जाएगी, इसे अपन कैपिटल आर से लिख देते हैं। सबसे पहली चीज कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ी है कि जब बहुत सारी वस्तुओं को मिला करके बड़ी वस्तु बनाई जाएगी तो एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, क्या, आयतन नियत रहेगा। आपने पढ़ा है बेलन को गड़ा करके गोला बनाया जाता है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, एक कुआं खोदा जाता है उसके अंदर से मिट्टी निकल रही है, उसके बाहर एक चबूतरा बनाया जाता है, घनाब बनाया जाता है, उसकी हाइट कितनी होगी, वाट एवर, ऐसे बहुत सारे, इतनी त्रिज्या के, इतनी मोटाई के बहुत सारे सिक्के हैं जिन्हें गला करके एक तार बनाया जाता है, तो उन सब स्थितियों में क्या नियत रहता है, आयतन नियत रहता है। तो जब आप इन सभी बूंदों को मिलाएंगे तो एक बड़ी बूंद बनेगी, इस बड़ी बूंद का आयतन और इन सभी छोटी बूंदों के आयतनों के योग के बराबर होगा। क्लियर है, तो यहां पे अपन लिखते हैं, ये सब आपको समझना है, सवाल के अंदर लिखना नहीं है, बड़ी बूंद का आयतन बराबर, क्या लिखूं भाई, एक छोटी बूंद का आयतन
इनटू 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 इन बूंदों की संख्या। अरे एन से गुणा कर देंगे तो सभी बूंदों का आयतन आ गया ना, नहीं आया, समझ में नहीं आया। बड़ी बूंद का आयतन बोलो सर, 4/3 pi कैपिटल आर क्यूब। एक छोटी बूंद का आयतन बोलो, 4/3 pi इनटू में 4/3 pi से 4/3 pi गया, आर क्यूब बराबर एन आर क्यूब, आर क्यूब बराबर एन की पावर में 1/3 लिख लेता हूँ कैसे भी करके, इसकी पावर जो है इसको मैं क्यूब लगा के आता हूँ, एन की पावर मुझे क्यूब बनानी है, कैसे बनाऊँ तो सर एन की पावर 1/3 करके उसको 3 से गुणा कर दो, नहीं आया तुम्हारे समझ में, ये एन ही हो जाएगा ना, अरे ये एन नहीं है क्या, एन ही तो है, तो इसके पावर में मैंने 1/3 किया, इनटू में 3 किया और आर का क्यूब कर दिया। क्या आप इसको ये लिख सकते हैं सर एन की पावर 1/3 आर इस पूरे का होल क्यूब, आर क्यूब से क्यूब काट दो तो आर बराबर क्या हो जाएगा एन की पावर 1/3 इनटू आर। यानी क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो बड़ी बूंद बनेगी उसकी जो त्रिज्या है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं सर बूंदों की जो संख्या है उसका 1/3 को क्या कहते हैं घनमूल, क्या कहते हैं घनमूल, इसका घनमूल निकाल लीजिए और उसकी छोटी त्रिज्या से गुणा कर दीजिए, नहीं है समझ में। अब एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, मान लीजिए कि एक छोटी बूंद की त्रिज्या 5 cm है, छोटी बूंद की त्रिज्या 5 cm है और आपने 8 बूंदें ले रखी हैं, उनको मिला रखा है कितनी 8 बूंदें, तो 8 बूंदें आप एन की जगह रखेंगे और उसका क्यूब रूट निकालेंगे 1/3 घनमूल कितना आएगा 2 इंटू में 5 cm उसकी त्रिज्या थी तो कितना हो जाएगा जो बड़ी बूंद बनेगी 8 छोटी बूंदों को मिला करके उस बड़ी बूंद की त्रिज्या 10 cm हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये क्यों निकाली मैंने, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सर छोटी बूंद की धारिता आपने डायरेक्ट त्रिज्या दे रखी है तो निकाल ली, बड़ी बूंद की धारिता निकालने के लिए आपको उसकी क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए, कहां से आएगी उसके लिए हमने ये सारा काम किया, समझ में आ रहा है। बोर्ड परीक्षा में जब आप इस सवाल को सोल्व करोगे कंपटीशन में लिखोगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस से आपको आज जीवन में सिर्फ एक ही बार गुजरना है, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, तो यहां पे मैं लिखता हूं बड़ी बूंद की धारिता, बोलो बेटा कितनी आएगी बड़ी बूंद की धारिता सर 4 pi epsilon naught R। अच्छा कोई मेरे को ये बता सकता है क्या, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई मेरे को ये बता सकता है क्या कि इस एक बूंद में मान लो 4 कूलाम आवेश आता, कितना आवेश आता इसके ऊपर 4 कूलाम, दूसरी बूंद के ऊपर 4 कूलाम, तीसरी बूंद पर 4 कूलाम, ऐसी मेरे पास 10 बूंदें हैं, कितनी बूंदें 10 और हर बूंद के ऊपर कितना कितना चार्ज है 4 कूलाम, अगर मैं सबको मिलाऊंगा तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, टोटल आवेश कितना होगा, आपने पढ़ा है आवेश संरक्षित रहता है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, तो सभी वस्तुओं का जो आवेश होगा वो जुड़ जाएगा तो टोटल कितना 40 कूलाम का आवेश आ जाएगा, बात क्लियर है। लेकिन दूसरी चीज ध्यान से सुनना, अगर इसकी धारिता 2 microfarad है, कितनी 2 microfarad, दूसरे की भी धारिता 2 microfarad, तीसरे की भी 2 microfarad, और टोटल मेरे पास 10 बूंदें हैं, उन सबको मिला करके जब आप बड़ी बूंद बनाओगे तो उस बड़ी बूंद की धारिता कितनी हो जाएगी, हर एक बूंद की धारिता 2 microfarad, बूंदे कितनी है 10, धारिता कितनी हो जाएगी बोलो, हर एक बूंद की धारिता 2 microfarad है, 10 बूंदों को मिलाया गया है, बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी 20 microfarad नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि धारिता जो है वो वस्तु के आकार पे डिपेंड करती है, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है 4 pi epsilon naught R और 4 pi epsilon naught R, ये R और ये R बराबर नहीं है,
इसलिए धारिता निकालने के लिए आपको पहले उनके त्रिज्या में संबंध निकालना पड़ेगा, और त्रिज्या में जो संबंध है वो इस फॉर्मूले से आएगा। लेकिन एक चीज हमने देखी है कि सर इन आवेशित बूंदों को जब अपन मिलाएंगे तो जो बड़ी बूंद बनेगी उस बड़ी बूंद की सरफेस के ऊपर जो आवेश आएगा वो आवेश इन सभी बूंदों के आवेशों के योग के बराबर होगा, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है। नहीं आया समझ में? पक्का? अब क्या करें बोलो। यहां लिखते हैं हम आवेश संरक्षण सिद्धांत से। अपना प्रश्न क्या था पहले ये बताओ मेरे, आपका क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन ये था कि इन सभी बूंदों को मिलाएंगे, प्रत्येक छोटी बूंद के ऊपर विभव कितना था? V था। तो जो बड़ी बूंद बनेगी उस बड़ी बूंद की सरफेस के ऊपर विभव कितना होगा? इस बड़ी बूंद के ऊपर जो विभव होगा उसको V डैश कह देते हैं, वो कितना होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? आपको त्रिज्या दे रखी है, बूंदों की संख्या दे रखी है, बड़ी बूंद की धारिता अगर आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते क्या? डायरेक्ट इस फॉर्मूले से पहले सर कैपिटल आर निकाल लेंगे और कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। अभी अपन एग्जांपल भी करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है? विभव का मान निकालना है। तो विभव कैसे निकलेगा? विभव डायरेक्ट नहीं निकलेगा, विभव निकालने के लिए आपको आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बोलो? सभी छोटी बूंदों पर कुल आवेश बराबर क्या होगा? बड़ी बूंद पर आवेश। नहीं आया? छोटी बूंद पर आवेश कितना है सर? Q है एक पर। सब पर कितना हो जाएगा? NQ। बड़ी बूंद पर आवेश क्या हो जाएगा? Q डैश कह दीजिए। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? NCV। बड़ी बूंद के ऊपर आवेश क्या हो जाएगा? इसकी धारिता, इसका विभवांतर। नहीं आया समझ में? अरे छोटी बूंद की धारिता को C से कहा है, बड़ी बूंद की धारिता को C डैश से। जब C डैश है, V डैश है, तो इसके ऊपर आवेश कितना होगा? Q डैश। उसको क्या लिखोगे? C डैश V डैश। नहीं आया समझ में? दोनों आवेश क्या हैं? बराबर हैं। इधर Q नहीं है, इधर NQ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने कुल आवेश लिया है। कुल आवेश किसके बराबर होगा? सभी बूंदों के आवेशों के योग के बराबर। नहीं आया समझ में? बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। चलो मान रखो सर, सबका मान रखो, एन रख दिया, सी 4πε0r, विभव तुम्हें दिया हुआ होगा, इसको वी ही रखेंगे, बराबर C डैश 4πε0 कैपिटल R और V डैश। बोलो क्या करूं सर? 4πε0 से 4πε0 तो काट ही दो, N रह गया, R रह गया, V रह गया, कैपिटल R चाहिए सर। कैपिटल R यहां से निकल के आएगा। नहीं आया? कैपिटल R N की पावर 1/3 R, उसके बाद में यहाँ पे क्या चलेगा? कैपिटल आर की जगह वैल्यू रख दी। नहीं आया? आगे क्या आएगा? वी डैश। तुम्हें प्रश्न में निकालना क्या था? वी डैश चाहिए था। इस सब को भगाओ, इन सब को भगाओ दूसरी तरफ, कहाँ? बटा में। इस आर से ये आर काट सकता हूँ क्या मैं? क्या बच गया आपके पास? एन वी अपॉन एन की पावर 1/3, दिस इज इक्वल्स टू V डैश। नहीं आया? 1/3 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? -1/3। और इसके ऊपर यहां पे पावर कितनी है? एक है। तो भाई एक में से 1/3 घटाओगे तो क्या बचेगा? शाबाश, कितना? 2/3 बचेगा। तो सर ये n जब ऊपर जाएगा तो n की पावर 2/3 इंटू में v, दिस इज इक्वल्स टू v डैश। ये लीजिए, ये हो गया सर काम। अब एक छोटा सा सवाल पढ़ते हैं अपन इसके ऊपर। दो फॉर्मूले हैं आपके पास, एक ये
एक आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा आगे और लिख सकता हूँ, आप चाहें तो इसको अपन और लिख सकते हैं या फिर इतना ही रहने दीजिए। एक धारिता का ये फॉर्मूला और एक बड़ी बूंद के विभवांतर का या विभव का ये फॉर्मूला, ये तीन चीजें आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। एक सवाल पढ़ता हूं मैं, सवाल लिखता हूं, आपको बिना कॉपी पेन यूज किए डायरेक्ट इस फॉर्मूले को देख के आंसर पे पहुंचना है। लिखो पक्का? चलो यही लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक छोटी बूंद है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और 125 बूंदें हैं और प्रत्येक बूंद को मैंने 40 वोल्ट के विभव से आवेशित किया है। बताइए बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, बताइए बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी, बताइए बड़ी बूंद के ऊपर विभव कितना आएगा। प्रश्न को दोबारा अच्छे से समझ लें, मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। मेरे पास 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की, जल की 125 बूंदे हैं अलग अलग, और सबको मैंने आवेशित कर रखा है कितने विभवांतर से, 40 वोल्ट से सबको चार्ज कर दिया, और चार्ज करने के बाद सबको एक जगह मिला दिया। मिलाने पे बड़ी बूंद बनेगी, उस बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी? पहला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, कैसे निकालेंगे? n का घनमूल, 125 का घनमूल 5, इंटू में त्रिज्या तो सर 1 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, धारिता C-, ये C-, 4πε0 मान रखेंगे, कैपिटल R का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। सोल्व हो जाएगा पक्का, क्लियर? अच्छा ये बता दीजिए मेरे को, ये जो धारिता है वो छोटी बूंद की धारिता से कितनी गुनी हो जाएगी, ये बता दीजिए। बड़ी बूंद की धारिता अकेली छोटी बूंद की धारिता से कितनी गुनी होगी? C- है वो कितना गुना होगा भाई? 4πε0 तो इसमें भी है, 4πε0 इसमें भी है, ये तो खत्म हो जाएगा। R की जगह क्या रखोगे? 5R रखोगे, तो धारिता कितनी हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। क्लियर पक्का? अगला क्वेश्चन, V- चाहिए सर हमें, V- बोलो कार्ड नहीं है, बोलो है तेरी का। क्या हुआ? अरे 25 चौक 100 10 लगा दियो, दर्द घटो रे। क्या कहां से आया बता, हजार कहां से आया? ये क्या है? n की जगह कितना लिखेंगे? 125 की पावर 2/3 करना आता है, कैसे? पावर 2/3, कोई बात नहीं, पहले 2 को भूल जाओ तो क्या बचेगा? 1/3। 1/3 का मतलब है घनमूल, तो 125 को घनमूल लिखोगे तो 5 × 5 × 5, 3 का एक जोड़ा बनेगा तो 5 आएगा, फिर उसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, ये n क्यूब, ये n की पावर 2/3 आएगा, 25 इंटू में 40, नहीं आ रहा, कितना हो जाएगा? 1000। कैसे भी करो हो जाना चाहिए, दिक्कत बोलो। ऐसे प्रश्न आपको बहुत जगह मिलेंगे, समझ में आ रहा है? ये सब आपके दिमाग में हिडन स्पेस में लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लिख करके आप उसको निकालोगे, याद भी होना चाहिए बट निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उतार लो,
लगभग